हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस ऑफ डिवाइसेस एंड मॉड्यूल्स। देर आर थ्री क्लासेस, कैरेक्टर डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइसेस एंड नेटवर्क इंटरफेसेस। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं? कैरेक्टर डिवाइस इज वन दैट कैन बी एक्सेस्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट। अ कैरेक्टर ड्राइवर इज इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस बिहेवियर। सो कैरेक्टर डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैरेक्टर ड्राइवर लगता है। सच अ ड्राइवर यूजुअली इम्प्लीमेंट्स एटलीस्ट द ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट सिस्टम कॉल्स। सो ये सभी सिस्टम कॉल्स जो इम्प्लीमेंट होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड द कैरेक्टर डिवाइस, कैरेक्टर ड्राइवर्स, एंड वी कॉल इट एज अ कैरेक्टर डिवाइसेस। देन नेक्स्ट इज अ ब्लॉक डिवाइसेस। Like character devices, block devices are accessed by file system nodes in the /dev directory. So ये जो directory है यहाँ पे you can access the file system nodes. Linux allows the application to read and write a block of device like a character device. It permits the transfer of any number of bytes at a time. So data transfer के लिए, bytes transfer के लिए जो devices लगते हैं, ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर के लिए जो डिवाइसेस लगते हैं, उसको हम ब्लॉक डिवाइसेस बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज द नेटवर्क इंटरफेसेस। एनी नेटवर्क ट्रांजैक्शन इज मेड थ्रू एन इंटरफेस, अ डिवाइस दैट इज एबल टू एक्सचेंज डेटा विद अदर होस्ट। यूजुअली एन इंटरफेस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, बट इट माइट ऑल्सो बी अ प्योर सॉफ्टवेयर डिवाइस लाइक अ लुकबैक इंटरफेस। तो अदर होस्ट के साथ डेटा एक्सचेंज करने के लिए इंटरफेस यूज होता है। इंटरफेस जनरली हार्डवेयर डिवाइस होता है, बट ये सॉफ्टवेयर डिवाइस भी हो सकता है। तो ये हो गया क्लासेस ऑफ डिवाइसेस एंड मॉड्यूल्स। देयर आर थ्री क्लासेस, कैरेक्टर डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइसेस एंड नेटवर्क इंटरफेसेस। अभी हम डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स के सिक्योरिटी इश्यूज क्या होते हैं? When possible, driver writer should avoid encoding security policy in their code. So, code में ही अगर security policy देते हैं तो ये avoid करना चाहिए। Why? Because security is a policy issue that is often best handled at higher levels within the kernel under the control of system administrator. So, system administrator ने ये issues handle किए तो it will be better. So, the writer should not encode the security policy within the code itself. So, ये एक पहला security issue है। Then second point is driver writers must also be careful of course to avoid introducing security bugs. So जो भी security bugs है वो आपके code में नहीं आने चाहिए। driver code जो होता है उसमें security bugs नहीं होने चाहिए। Then be careful with uninitialized memory. Any memory obtained from kernel should be zeroed or otherwise initialized before being made available to a user processes or device. Otherwise, information leakage could result. So, information leakage नहीं होना चाहिए, इसलिए proper memory management होना चाहिए. So, जो भी memory जो है वो obtained from the kernel should be zeroed. So, kernel से obtained हुई memory को zeroed करना चाहिए, या फिर उसको अदर यूजर प्रोसेसेस को अवेलेबल करने से पहले उसको फ्री करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन लीकेज। देन नेक्स्ट इज ऑपरेशंस लाइक फॉर्मेटिंग डिस्क शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिविलेज यूजर। सो डिस्क फॉर्मेटिंग शुड बी अलाउड टू द प्रिविलेज यूजर्स ओनली। दिस इज वन ऑफ द सिक्योरिटी इश्यू। एंड लास्ट इज बी केयरफुल व्हेन रिसीविंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी। यू शुड अवॉइड रनिंग कर्नेल compiled by the untrusted person. So the kernel program which is compiled by untrusted person should not be used on your system. This is one of the security issue. So आज के वीडियो में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, क्लासेस ऑफ डिवाइसेस एंड मॉड्यूल्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ डिवाइसेस ड्राइवर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू सी मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।